हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट टाइम हमने किया था फिलेट कमांड, चैम्फर कमांड और ब्लेंड कर्व्स। तो आई होप आपको ये कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो व्यूअर्स ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियोस वहां से देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। सो एरे में तीन टॉपिक्स आते हैं हमारे पास। सो तीन टाइप्स की हमारे पास एरे आती है। एक आती है रेक्टेंगुलर एरे, एक आती है पोलर एरे और एक आती है पाथ एरे। तो तीनों को हम वन बाय वन करके देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एरे को बना सकते हैं। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो आप एरे यूज कर सकते हो। सो आज हम यही करके देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ई एंटर। मैंने एक सर्कल लिया 0.0 पे जिसका रेडियस है 5। ओके, जेड एंटर, ए एंटर अप्लाई कर लेते हैं ताकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे फिट हो जाए और मेरी स्क्रीन इजीली जूम इन जूम आउट होती रहे। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ए आर एंटर, इसकी शॉर्टकट ये होती है ए आर एंटर। ठीक है, तो जैसे आप ए आर एंटर कर रहे हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं। आप एरे यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे की कोई शॉर्टकट की नहीं है, पाथ एरे की कोई शॉर्टकट की नहीं है और पोलर एरे की शॉर्टकट की नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एरे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो वहीं पे जैसे आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपके पास जैसे आप एंटर कर रहे हो ऑप्शंस आपको यहीं पे दिखा रहा है। रेक्टेंगुलर एरे आप चूज करना चाहते हो, पाथ एरे चूज करना चाहते हो, पोलर एरे चूज करना चाहते हो। सबसे पहले हम करते हैं रेक्टेंगुलर एरे। सो रेक्टेंगुलर एरे में पूछ रहा है सिलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे। ओके, ग्रिप कौन सी हमारी, ये जो एरो आ रहा है हमारे पास। ओके, इसको हम जिस साइड में मूव करेंगे उस साइड ये मूव कर जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास डायरेक्शन चेंज करने का, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सो इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, कह रहा है क्रिएट एसोसिएटिव यस और नो। ये जो मेरी एरे है ऑलरेडी एसोसिएटिव में ही रहती है, अगर मैं इसको नो बनाऊंगा तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। सो मैं जब इसको एसोसिएटिव में कर रहा हूँ तो मैं इसे एडिट कर पाऊंगा। ओके, तो इसीलिए हमें एसोसिएटिव यस रखना है। नॉर्मली ये यस ही रहता है, आपको इसको जरूरत नहीं करने की। इसके बाद आता है हमारे पास बेस पॉइंट। बेस पॉइंट में क्या रहता है हमारे पास, कौन सा आपको बेस पॉइंट बनाना है। मान लीजिए मुझे ये बेस पॉइंट बनाना है, सो एरे जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ओके, सो जैसे आप ये देखिए, ये एरो को जैसे जैसे मूव करते जाओगे इसके अकॉर्डिंग ये मूव होता जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो जो आपने बेस पॉइंट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा। मान लीजिए बेस पॉइंट में दोबारा चेंज कर लेता हूँ, बेस पॉइंट में ये बना लेता हूँ। सो अब देखिए जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो जैसे इसका बेस पॉइंट बनाओगे वैसे ये वर्क करेगा। ओके, सो इसके बाद अगर काउंट आप सिलेक्ट करोगे तो काउंट में क्या है, ये आपको कॉलम्स और रोज डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, सो कॉलम मेरे को कितनी चाहिए, मेरे को चाहिए 5 और रोज मेरे को चाहिए 5। ठीक है, सो स्पेसिंग आपके पास आ रही है, स्पेसिंग आप कितनी देना चाहते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इसने पिक कर ली है, तो आप यहाँ पे एक वैल्यू पिक कर सकते हो कोई भी। सो मैंने डिस्टेंस रो का, पहले मैंने कॉलम का डिस्टेंस दिया, मैं रो का डिस्टेंस दे देता हूँ अगेन 30। ठीक है, सो इसी के साथ कॉलम और रोज यहाँ पे अगेन पूछ रहे हैं। तो काउंट्स में भी आपको डायरेक्टली कॉलम और रोज एक ही बार में पूछ लेगा, स्पेसिंग में भी कॉलम और रोज का डिस्टेंस पूछ लेगा। अगर आप सिंगल कॉलम को करना चाहते हो तो कॉलम का यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर सकते हो और उसका डिस्टेंस जो चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। तो सिंगल सिंगल आप चेंज कर सकते हो कॉलम और रोज को। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पास एक और ऑप्शन आ रही है लेवल्स की। सो लेवल्स में हम क्या करते हैं देख लेते हैं। लेवल्स को जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, सो एंटर नंबर ऑफ लेवल्स, मैं 3 लेवल्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स। ओके, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेरे लेवल्स के बीच में, मेरे लेवल्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 30। ओके, सो आप देख सकते हो एक मैंने जो एरे की कमांड्स हैं या जो भी मैंने इनपुट्स दिए उसको, जो भी मैंने वैल्यूज दिए वो यहां से दिए कमांड बार से। एक आपके पास विंडो ऊपर भी आ जाएगी, तो आप यहां से भी इसको एडिट कर सकते हो कॉलम्स। जैसे मैं यहां से चेंज करना चाहता हूं, मैं 7 चाहता हूं, तो आप देख सकते हो कॉलम्स यहां से भी चेंज हो रहे हैं। आपको यहां से भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपके पास विंडो में ही सारी चीजें अवेलेबल है। आप बेस पॉइंट भी यहां पे मिल जाएगा आपको। ओके, इसी तरह से एग्जिट एरे है तो यहां से क्लोज एरे भी आ रहा है। ओके, तो ये चीजें यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे लेवल्स हैं, तो लेवल्स का फंक्शन क्या है, लेवल्स किस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब जैसे देखिए, जो मेरे सर्कल थे, जो मैंने एरे बनाया था, वो पहले बहुत ही लाइट कलर का था, ये कितना डार्क दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक रोटेट करके देख लेता हूँ। रोटेट किस तरह से होती है, स्क्रीन मेरी शिफ्ट
और स्क्रॉल को प्रेस करके, स्क्रॉल और शिफ्ट नहीं प्रेस करना, शिफ्ट और स्क्रॉल को ही प्रेस करना। आप देख सकते हो इस तरह से आपके लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ से फ्रंट व्यू को ऑन करूं तो ये देखो ये मेरे लेवल्स क्रिएट हो गए हैं। डिस्टेंस कितना आ गया, 30-30 का डिस्टेंस आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 का डिस्टेंस क्रिएट करूं, तो आप देख सकते हो इनका डिस्टेंस भी चेंज हो गया। ओके, सो इसी तरह से ये लेवल्स क्रिएट होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई ड्राइंग आती है, आप इस तरह से भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये बड़ी हेल्पफुल कमांड है, आप इसको इस तरह से बना सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये रेक्टेंगुलर एरे कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो हम क्लोज एरे करते हैं तो आपके पास ये एरे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इसमें एक चीज और देख लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। सी एंटर 0,0, यहाँ पे मैं 5 का एक सर्कल लगा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर एरे कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर एरे में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे मैं डायरेक्शन एरो से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन में वैल्यू से भी चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ, अब स्पेसिंग पूछ रहा है कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग, यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है, तो एक्स मेरा अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो तो प्लस यहाँ पे आता है, वाई एक्सिस प्लस यहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस माइनस यहाँ पे, वाई एक्सिस माइनस यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे 20 की वैल्यू दे देता हूँ तो आप देखना इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन रोज 15 पूछ रहे हैं, सो मैं अगर इसकी डिस्टेंस चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं -15 दे रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। ओके, सो आप इस तरह से भी इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। बाकी सारी मैंने आपको ऑप्शंस बताई दी, आप उनको यूज कर सकते हो, जैसे लेवल्स क्रिएट कर। अब देखिए इनका कलर कितना लाइट आ रहा है, मैं जैसे लेवल्स क्रिएट करूंगा, मान लीजिए मैंने 5 लेवल्स क्रिएट कर दिए, तो आप देख लीजिए हाईलाइट हो गए, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो इस तरह से ये लेवल्स दिखाने लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स क्रिएट किए हैं, तो इस तरह से आपको दिखाने लग जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है कमांड बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, सो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है पोलर एरे। ओके, सो इसी में देख लेते हैं पोलर एरे किस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे सर्कल है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे एरे सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अभी मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है रेक्टेंगुलर पाथ और पोलर, तो मैं पोलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है, बेस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो बेस पॉइंट जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 20,0, ये मेरा बेस पॉइंट है, बट उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है। सो मैं एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और रेक्टेंगुलर एरे, इस तरह से मेरे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है। सो इसी में से मैं एरे लगा के देखता हूँ पोलर का, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अभी सारे एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो मुझे इसको अनसिलेक्ट करने के लिए, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एरे मैं दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर, पोलर एरे। अब ये पूछ रहा है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट मान लीजिए मैंने ये रफली सिलेक्ट कर लिया, अभी ये मुझे रोटेट करके दिखा नहीं रहा। मैं सेकंड ऑप्शन करके देखता हूँ यहाँ पे, अब जैसे हाँ, अब ये देखिए मैंने बेस पॉइंट ये सिलेक्ट किया, तो इसने अभी हम रफली बना रहे हैं इसलिए हमें ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्शन भी अगर चेंज करना चाहो तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो इस तरह से, किसी एंगल तक अगर आपने रोटेट करना है इसको, किसी एंगल तक भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। एंगल बिटवीन कितना चाहिए वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे, एंगल बिटवीन यहाँ पे इसने क्या सिलेक्ट किया, 41। मान लीजिए मेरे को 30 चाहिए तो मैं इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आइटम्स कितनी चाहिए मुझे, 6 आइटम्स इसने सिलेक्ट किए, मुझे 10 आइटम्स चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी डायरेक्टली फिल कर सकते हो। तो इसमें भी लेवल्स आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर एरे में सिलेक्ट किया था, ठीक है। सो फिल एंगल कितना चाहिए मुझे, 150 इसने दिखा रखा है, तो मुझे कितना चाहिए, 200 तक चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 200 डिग्री तक रोटेट हो गया है। ओके, अगर फिल एंगल दोबारा चेंज करना चाहते हो, फिल एंगल कौन सा आ रहा है, फुल, जो टोटली रोटेट करेगा, 360 डिग्री दिखाया तो 360 डिग्री पे रोटेट कर गया। ओके, इसमें अगर आप रोज और कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एरे को सिलेक्ट कर सकते हो, इस एरे को यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल लगाया, नॉर्मली आपको इसी तरह से समझ आएगा, मैंने एक सर्कल लगाया, इस एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं,
एंटर। अब पोलर मैंने सिलेक्ट किया तो इसका बेस पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया, तो एरे जो है आपका वो बन के रेडी हो गया। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आइटम्स अगर आपने चेंज करना चाहते हो आप आइटम्स चेंज कर सकते हो, 10 आइटम्स चाहिए। और इसमें रोज अगर आपको चाहिए तो रोज मान लीजिए मेरे को 5 रोज चाहिए, तो आप देख सकते हो हर एक जो आइटम क्रिएट हुई है उसकी एक रो क्रिएट हो गई है, तो उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हो। तो रोज के बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, 10 चाहिए, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। लेवल्स क्रिएट करना चाहते हो, लेवल्स मेरे को 3 चाहिए, रोटेट करके देख लेते हैं लेवल्स क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए। ये देखिए लेवल्स फिर क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसमें एक चीज और भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास, मैं इन दो को एरे करना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं इन दोनों को एरे करना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बेस पॉइंट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो 3D के लिए है। ओके, तो एक्सिस रोटेशन पूछ रहा है, मैंने ये वाली एक्सिस सिलेक्ट की, तो आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट हो गया। अगर आप इसको 3D मूव करके देखो तो आप इस तरह से देख सकते हो इसको। अगर मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूं, AR एंटर, सिलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट्स, पोलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लीजिए मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखा, तो आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट हो गया। ये देखिए, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये 3D में काम आती है। अगर आपने कोई 3D में ऑब्जेक्ट बना रखा है तो अगर आप उसमें एरे करना चाहते हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप वहां पे ये चीज यूज कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको पोलर एरे भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। लास्ट जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है वो पाथ आ रही है, तो मैं पाथ बना लेता हूँ कोई। मैंने लिया स्प्लाइन कमांड, SPL एंटर, और यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, ये मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब मेरे पास एक सर्कल है जिसको एरे करना है और एक पाथ भी है मेरे पास, तो मैं एरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने कर लिया एंड पाथ भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो पाथ मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब यहाँ पे आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ओके, मेरे को रो कितनी चाहिए, मेरे को रो चाहिए 3, तो ये उसके अकॉर्डिंग रो बना देगा, जैसे अभी यहाँ पे आपने पोलर एरे में भी किया था। ओके, सो अगर आप यहाँ पे रो वापिस लाना चाहते हो इसको वापिस भी कर सकते हो। ओके, सो बेस पॉइंट इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, बेस पॉइंट कौन सा चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। मान लीजिए बेस पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये एरे जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको वापिस कंट्रोल जेड करता हूँ, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब यहाँ पे पाथ एरे सिलेक्ट कर रहे हैं हम, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज और ऑप्शन आ रही है टेंजेंट डायरेक्शन की, ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी चाहिए आपको टेंजेंट की, ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये टेंजेंट होता जाएगा। डायरेक्शन ऑलरेडी टेंजेंट पे ही जा रही है, ये देखिए ये कर्व जो आ रही है आपके पास, यहां से ये टेंजेंट कर्व आ रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट डायरेक्शन पिक कर रहे हैं। ओके, सो इसके साथ ही आप आइटम्स भी चेंज कर सकते हो, कितनी आइटम्स चाहिए आपको, मुझे 20 आइटम्स चाहिए, सो उनके बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप लेवल्स भी क्रिएट कर सकते हो, और इसमें अलाइन की ऑप्शन एक आ रही है, ठीक है। सो अलाइन में जैसे आपने अभी, ये तो मेरा एरे जो है वो अलाइन ही है, ठीक है, इसको हम किसी और मेथड से समझते हैं। कंट्रोल जेड कर लेता हूं मैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट, एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे आउटसाइड द पाथ। ओके, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे ही चाहिए आपको, आप इस तरह से भी पाथ बना सकते हो, ठीक है। सो अलाइन चाहिए मुझे कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अलाइन कर दूं इसको, यस, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गया। सो अगर मैं इसको नो अलाइन करूं तो इसके साथ वापिस ही आ जाएगा। सो ये अलाइन और नो अलाइन को आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या किया, पोलर कमांड की, सॉरी आज हमने क्या किया, एरे कमांड की, जिसमें हमने पोलर एरे किया, रेक्टेंगुलर एरे किया और पाथ एरे किया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी, इनको ट्राई करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।